Hello guys, and welcome to Aficionado's Den, where we stay in class. Guys, welcome back to the episode 2 of Jack Daniel's series. और आज जो मैं आप लोगों के लिए चीज़ लेके आया हूँ वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है. इंडिया में पहली बार मुझे दिखाई दी है ये चीज़, विच इज़ जैक एंड कोक. सो गाइज, लेट मी टेल यू अ बिट हिस्ट्री अबाउट जैक एंड कोक. सो जैक एंड कोक इज़ अ कॉकटेल. इनिशियली इट वॉज वेरी फेमस टू ड्रिंक बर्बन विथ कोको कोला. हाउ एवर, पीपल स्टार्टेड ड्रिंकिंग जैक डैनियल्स विथ कोको कोला अ लॉट. एंड इन द ईयर 2005 जैक डैनियल्स के एम्प्लॉयज़ ने बोलना शुरू कर दिया कि जैक डैनियल्स और कोक जो है बहुत ज़्यादा लोग पीना शुरू हो गए हैं. ऑल्सो इट वॉज़ अ फेवरेट कॉकटेल ऑफ लेमी किलमिस्टर, हु वॉज अ पार्ट ऑफ द हैवी मेटल बैंड कॉल्ड मोटरहेड, हु डाइड इन द ईयर 2016. एंड हिज फैंस एक्चुअली स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रीनेम जैक डैनियल्स एंड कोक आफ्टर हिम. So after some time, this cocktail has also been renamed as the Lemmy. So that's pretty much about the Jack and Coke cocktail. Well, the classic recipe calls for one part Jack Daniels to two part Coke. But as far as I can see, this is a can of 330 ml with a 5% volume. That's Jack Daniels with Coke for you. So, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा Jack Daniels added है. I bought this in Delhi again from Whiskey Theka. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है Jack Daniels की एपिसोड 1, तो मैं लिंक जो है वो आई बटन में दे रहा हूँ. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. प्लीज़ वॉच दिस फुल सीरीज़. आने वाले और भी एपिसोड्स हैं, बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं. तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें. तो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द जैक एंड कोक कॉकटेल. चलिए खोलते हैं, पोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस कॉकटेल में. द क्लासिक कॉकटेल कॉल्स फॉर अ टॉम कॉलिंस ग्लास, तो वो है मेरे पास. चलिए खोलते हैं, पोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें. Let's go ahead and pour it. तो चलिए करते हैं इसका टेस्ट टेस्ट और बताते हैं कि कैसा है ये. इसमें सच बात बताऊंगा, ऑन द नोज मुझे कोको कोला के अलावा जैक डैनियल्स के कहीं अरोमास नहीं आ रहे हैं. एक हल्का सा डेफिनेटली अल्कोहल का अरोमा जरूर है, बट मुझे कहीं पर भी जो है जैक डैनियल्स के अरोमा नहीं आ रहे. चलिए Let's taste it. On the palate, I would say हल्का सा टेस्ट है, हल्का सा सिनेमन का वो ओकीनेस हल्की सी है, बहुत फेंट है, बहुत ही फेंट फ्लेवर है वो ओकीनेस का, वो जैक डैनियल्स का. चलिए let's get on to the second taste. मैं कहूँगा येस, वो हल्की सी ओकीनेस ज़रूर है इसमें, हल्के से वनीला के नोट्स हैं अपार्ट फ्रॉम कोक नोट्स, कोकोला के नोट्स, बट बहुत ज़्यादा कुछ मुझे इसमें अल्कोहल का फ्लेवर या फिर जैक डैनियल्स का फ्लेवर एज सच नहीं आ रहा है. फॉर बिगिनर्स या फिर फॉर पीपल हु वांट जस्ट अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑन द गो, दिस इज़ अ वेरी गुड ड्रिंक. प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूँगा, मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड ड्रिंक. जो लोग बियर पीते हैं, बियर के शौकीन हैं, स्पेशली लाइट बियर के शौकीन हैं, दिस इज़ अ गुड इंट्रोडक्शन टू विस्की और कॉकटेल्स फॉर दैट मैटर.
तो चलिए इसके एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। अगर मैं एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ इस ड्रिंक की, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8 एंड ऑन द टेस्ट ऑल्सो आई वुड गिव इट अ 8। सो इस कॉकटेल्स स्लैश ड्रिंक का एफिशनाडोज नंबर होता है 8। गाइस, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। दो दिस इज अ गुड ड्रिंक फॉर द पीपल हु लाइक टू ड्रिंक ऑन द गो, बट प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड एज यू से इन एफिशनाडोज, स्टे क्लासी एंड चीयर्स।